हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बचे हुए चावलों से एक बहुत ज्यादा टेस्टी सा नाश्ता। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं चावल जो आप डेली बनाते हैं सुबह रात को, ये वही चावल है, ये बच गए थे। 4 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू, इसे हमने उबाल लिया है और छील लिया है। 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 गाजर इसे भी कट कर लिया है, 1 शिमला मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता और हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम लोग चावल और आलू को अच्छे तरीके से मिला के मसल देंगे। तो इसे अच्छे से आप मिला लीजिए साथ में। हमने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे सारी सब्जियां और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम लोग हरी मिर्च डालेंगे और धनिया भी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 2 से 3 चम्मच, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इससे जो आपका मिक्सचर है वो तेल में जाने के बाद टूटेगा नहीं और बिखरेगा नहीं। मिलाएंगे अच्छे से। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब चलिए हम लोग इसे फ्राई करते हैं। तो गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम लोग डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आपको इसमें तेल इतना डालना है जिससे आपका कटलेट अच्छे से फ्राई हो जाए। तो तेल हमारे यहाँ पे गर्म हो गया है। अब हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसके ऐसे कटलेट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए। अब इसमें हम लोग ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और अब हम लोग इसे इस तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम से इसे फ्राई करना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसे हम लोग अलट पलट के मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कटलेट बनके तैयार है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही ज्यादा टेस्ट मिक्स वेजिटेबल राइस कटलेट बनके तैयार है, जिसे हमने सर्व किया है ये चिली गार्लिक की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है बनाने में और इतनी आसान है कि आप इसे झटपट बना सकते हैं। और ये कटलेट भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। तो ये कटलेट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और जल्दी बनने वाला, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो चावल हम लोग फेंक देते हैं उससे अच्छा है कि उससे हम लोग ये टेस्टी सा एक नाश्ता बनाएं। तो अगर आपको हमारी आज ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।